हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने हमारे चैनल पर और इंटरनेट पर मौजूद अनेकों मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज जिस घटना से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह एक बेहद असाधारण घटना थी, जिसके कारणों की असल वजह आज तक कोई भी नहीं जान सका है। ये घटना है एक ऐसे लाइट हाउस और वहां रहने वाले तीन लोगों की, जो कहां गायब हुए इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस अद्भुत घटना को विस्तार से। वेस्टर्न स्कॉटलैंड में मौजूद फ्लैनन आइलैंड्स अनेकों छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है। 16 दिसंबर 1900 की एक सुबह आक्टर नाम का एक स्टीमर फ्लैनन आइलैंड के पास सर होकर गुजर रहा था। तभी स्टीमर के कैप्टन ने फ्लैनन आइलैंड के इलियन मोड आइलैंड लाइट हाउस को निष्क्रिय अवस्था में देखा। दूर से देखने से ही पता लग रहा था कि वह लाइट हाउस ऑपरेशनल नहीं है, जबकि नियमानुसार किसी भी लाइट हाउस का पूरी तरह ऑपरेशनल होना अनिवार्य था। स्टीमर के कैप्टन ने यह बात तट पर पहुंचकर उस लाइट हाउस का रखरखाव करने वाली एजेंसी को बताया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि रखरखाव करने वाली एजेंसी द्वारा उस लाइट हाउस पर एक हफ्ते पहले ही तीन लोगों को तैनात किया गया था, जिनका नाम था डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट। इस आइलैंड का नाम 7th सेंचुरी के एक आयरिश प्रीस्ट सेंट फ्लैनन के नाम पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई आबादी आकर नहीं बसी, क्योंकि इस आइलैंड को हमेशा से ही बेहद मिस्टीरियस और भूतहा माना जाता था। इस जगह को अनेकों अनहोनी घटनाओं का गवाह माना जाता था। लाइट हाउस के निष्क्रिय होने की सूचना मिलते ही हेस्पिरस नाम के एक रिलीफ वेसल को लाइट हाउस की जांच के लिए रवाना किया गया, जिसमें लाइट हाउस पर कार्यरत तीन लोगों के लिए राहत सामग्री और अन्य जरूरत का सामान भी था। इस रिलीफ वेसल पर मौजूद कैप्टन का नाम था जेम्स हार्वी। जब उनका रिलीफ वेसल लाइट हाउस के पास पहुंचा तो कैप्टन हार्वी ने देखा कि लाइट हाउस पर सिग्नल फ्लैग यानी झंडा नहीं था। किसी भी लाइट हाउस पर लहरा रहे झंडे का अर्थ होता है कि उस लाइट हाउस में स्टाफ मौजूद है और लाइट हाउस सुचारू रूप से काम कर रहा है। फ्लैग को अपनी जगह से नदारद देख कैप्टन हार्वी ने तुरंत जहाज के हॉर्न को जोर जोर से बजाना शुरू किया, लेकिन हॉर्न की गूंजती हुई आवाज के बावजूद लाइट हाउस पर कोई भी हलचल नहीं हुई। कैप्टन जेम्स हार्वी समझ गए थे कि वहां जरूर कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन कुछ ही देर में वह जो देखने वाले थे उन्हें उसका अंदाजा भी नहीं था। किनारे पर पहुंचकर कैप्टन हार्वी ने देखा कि लाइट हाउस के बाहर कुछ सप्लाई क्रेट्स पड़ी हुई थी, जबकि इन सप्लाई क्रेट्स को लाइट हाउस के अंदर रखा जाना चाहिए था और अंदर रखी खाली सप्लाई क्रेट्स को बाहर रखा होना चाहिए था। यह देख कैप्टन हार्वी और उनके एक साथी जोसेफ मोरेन ने लाइट हाउस और उसके आसपास के एरिया की तफ्तीश करने का फैसला किया। पूरा आइलैंड एक सुनसान बियाबान कब्रगाह जैसा लग रहा था। किनारों के पत्थरों पर पड़ती लहरों के थपेड़ों के दूर दूर तक और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जोसेफ मोरेन ने किनारे पर पहुंचते ही लाइट हाउस की तफ्तीश करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि लाइट हाउस की दोनों मेन एंट्रेंस अंदर की तरफ से बंद थी। काफी देर नॉक करने और आवाज लगाने के बाद जैसे तैसे दरवाजों को जबरन खोला गया। जोसेफ ने अंदर जाकर पाया कि वहां रखे लैंप्स को साफ करके रिफिल किया गया था, जो कि ऐसी असामान्य स्थिति में एक सामान्य बात थी, लेकिन रूम्स में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बेड्स पूरी तरह से अस्त-व्यस्त अवस्था में थे, मानो कोई अभी अभी उस पर से सोकर उठा हो। पास ही की एक टेबल पर बर्तनों में परोसा गया खाना पड़ा था और टेबल्स के इर्द गिर्द रखी तीन चेयर्स में से एक गिरी हुई थी, मानो कोई आपाधापी में वहां से निकला हो और चेयर्स को वापस ठीक से रखने का मौका ना मिला हो। साथ ही जोसेफ और कैप्टन ने पाया कि लाइट हाउस में जगह जगह घड़ियां लगी हुई थी, लेकिन वो सब की सब रुकी हुई थी, जो कि वाकई एक बेहद अजीब बात थी। पूरे लाइट हाउस को पूरी तरह तलाशने के बावजूद वहां काम करने वाले तीन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। लाइट हाउस के बाहर निकलते वक्त उन्होंने देखा कि बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास लगी तीन खूंटियों में से एक पर ओवरकोट टंगा हुआ था और बाकी दो पर ओवरकोट मौजूद नहीं था, जिसका अर्थ था बाहर निकलते वक्त दो लोगों ने ओवरकोट पहना था, लेकिन शायद एक
जल्दबाजी में ओवरकोट नहीं पहन पाया। साधारणतः हर लाइटहाउस का ये पहला नियम होता है कि लाइटहाउस में हर समय कम से कम एक व्यक्ति का होना अनिवार्य हो, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति से समय रहते निपटा जा सके। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि लाइटहाउस पर तैनात तीनों लोगों को लाइटहाउस से निकलकर जाना पड़ा? ये एक ऐसा सवाल था जो कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा था और उन्हें विचलित कर रहा था। कैप्टन हार्वी, जोसेफ और उनके अन्य साथी अभी तक ये समझ चुके थे कि उस जगह पर कुछ बेहद विचित्र घटित हुआ है। उन्होंने आसपास के तटवर्ती इलाकों में उन तीन लोगों की खोजबीन की और बिना किसी सुराग के वापस लौट आए। तीनों लोगों की गुमशुदगी की जानकारी को टेलीग्राफ के माध्यम से नॉर्दर्न लाइटहाउस बोर्ड को भेजी गई। इसके बाद इस केस की तफ्तीश का जिम्मा नॉर्दर्न लाइटहाउस के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट मुयरहेड को दिया गया और यहीं से इस अनसुलझी गुत्थी में नए नए रहस्य जुड़ते चले गए। इस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती चरण में रॉबर्ट को लाइटहाउस लॉगबुक बरामद हुई। लॉगबुक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लाइटहाउस कीपर को लाइटहाउस और मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना या जानकारी को लिखना होता है। लॉगबुक में 15 दिसंबर की शाम के बाद से कुछ नहीं लिखा था, जिसका अर्थ ये था कि 15 दिसंबर के दिन ढलने के बाद उन तीनों लोगों के साथ कुछ विचित्र घटित हुआ था। लॉगबुक में 12 दिसंबर को थॉमस मार्शल ने लिखा कि उस दिन लहरें बेहद प्रचंड रूप में किनारे से टकरा रही थी और उन्होंने इस तरह की विकराल लहरें 20 साल के करियर में कभी नहीं देखी थी। साथ ही लॉगबुक में जेम्स डुकॉर्ट के बारे में लिखा था कि वह सुबह से बेहद गुमसुम हैं, वह किसी से बात नहीं कर रहे हैं और डोनाल्ड मैकार्थर सिर्फ रो रहे हैं और बेहद घबराए हुए हैं। जांचकर्ता रॉबर्ट को ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि लाइटहाउस पर काम करने वाले तीनों ही लोग बेहद एक्सपीरियंस्ड और मजबूत डील डॉल वाले व्यक्ति थे। उन लोगों का लहरों को देखकर ऐसे घबरा जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। 13 दिसंबर को लॉगबुक में लिखा गया कि हवाओं का रुख अब कुछ बदला सा गया है, लेकिन समुद्र आज भी ज़्यादा उग्र लग रहा है। आखिर उन्हें ऐसा क्या लग रहा था कि यह जानते हुए कि वो उस लाइटहाउस में बिल्कुल सेफ हैं, वो इतना घबरा रहे थे? और आखिरी पन्ने यानी 15 दिसंबर को लिखा गया कि आखिरकार अब समुद्र शांत हो गया है और हवाओं की गति अब कम हो गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस लाइटहाउस के आसपास से गुजरने वाले किसी भी जहाज ने 12, 13, 14 या 15 तारीख को मौसम के खराब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, ना ही मौसम विभाग को ऐसी कोई भी खबर मिली थी। चूँकि फ्लैनन आइलैंड कई आइलैंड का एक समूह है, इसलिए इलियनमोर आइलैंड, जिस पर यह लाइटहाउस मौजूद था, के आसपास के अन्य आइलैंड्स पर मौजूद जहाजों और एक अन्य लाइटहाउस से भी 12, 13, 14 और 15 तारीख के मौसम के बारे में पूछा गया। लेकिन सभी का यही कहना था कि इन दिनों मौसम साफ था। तो आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ उन तीन लोगों को ही उस विचित्र मौसम से रूबरू होना पड़ा? अगर वो लाइटहाउस से बाहर निकले तो लाइटहाउस के सभी गेट्स अंदर से बंद कैसे हुए, और यदि वो अंदर ही थे तो उनका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? वो गायब हो गए या मर गए, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। उन लोगों को भी आभास हो रहा था, वो उनकी कल्पना मात्र थी या कोई रहस्यमय सच? आखिर वो तीनों उस सुनसान बियाबान आइलैंड से कहां चले गए? इस घटना के बाद ना तो कभी उन तीनों लोगों का कोई भी सुराग मिला और ना ही आज तक इस गुत्थी को कोई भी सुलझा पाया है, और उसी कारण इस घटना को इतिहास की सबसे विचित्र और मिस्टीरियस घटना का दर्जा दिया जाता है। इस विचित्र घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमारे साथ कमेंट्स द्वारा ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।